वाईटी स्टूडियो प्रॉब्लम, वाईटी स्टूडियो नो डेटा प्रॉब्लम। और राइट, तो अगर आप अपनी वीडियो पे जाते हैं, एनालिटिक पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है जिसमें लिखा हुआ है नो डेटा। एंड मे बी यदि आप कोई पुरानी वीडियो को ओपन कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती होगी। मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये आपके इशू, क्या आपकी वीडियोज़ में कुछ इशू आ गया है। प्लस इसमें जो है आपको डेटा भी जो है सही से शो नहीं करेगा। आपका व्यूज है कितना, आपका अर्निंग है, प्लस आपका सब्सक्राइबर बेस, सब भी जो है यहाँ पे आपको गलत शो करेगा। एंड काफी लोग डर रहे हैं कि भाई क्या यहाँ पे डीमोनेटाइज हो रहा है हमारा चैनल या फिर ऐसे ही शो कर रहा है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं इस चैनल पर गेमिंग प्लस टेक्निकल वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। चलो मैं आपको यहाँ पे फिलहाल बता देता हूँ रीजन क्या है। दोस्तों यदि आप जाते हैं यहाँ पे, आप सभी को मैं पढ़ के दिखा देता हूँ, वी आर एक्सपीरियंसिंग करके जो पूरा लिखा हुआ है, बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ यहाँ पे रीजन क्या है। दोस्तों ये जो है यूट्यूब पे आई थिंक 5 to 6 months बाद ये प्रॉब्लम आती ही आती है। लाइक यहाँ पे जो सर्वर होता है यूट्यूब का, वो थोड़ा सा डाउन चला जाता है, डेट्स वहाँ पे जो डेटा है वो फेच होके प्रॉपरली शो नहीं करता है। डेट्स वाई इन्होंने जो है सही से हमें बता दिया कि हम जो इसके वो वर्क कर रहे हैं, एंड अगर तुम यहाँ पे क्लियर एंड कैच डेटा कर रहे हो तो वो मत करो, वो काम की चीज़ नहीं है, उससे आपका सर्वर का लेना देना नहीं है, वो जस्ट आपकी एप्लीकेशन का क्लियर कैच एंड डेटा करेगा, ये आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। इन्होंने साफ साफ यही बताया है कि दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब देखो आप कहोगे ये कब तक फिक्स आउट होगा, फिक्स आउट होने के लिए दोस्तों इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, यूट्यूब बताता नहीं, ना ही हमें ईमेल करेगा ना मैसेज, जस्ट ये टेम्परेरी चीज़ होती है, आई थिंक 5 to 6 hours के लिए ऑटोमेटिकली ये ठीक हो जाती है। अब तुम्हें खुद आना है, वीडियोस पे जाके चेक करते रहना, ठीक हो जाएगा, वैसे घबराने वाली बात नहीं है। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई अगर हमारी अर्निंग कट गई है तो क्या वो वापस नहीं मिलेगी। देखो जो डेटा शो कर रहा है ना, वो वहाँ पे उनके सिस्टम में जो सही शो नहीं कर रहा है, जो तुम्हारा अर्निंग है वो सब मिलेगा। ये चीज़ जो है जस्ट यहाँ पे सर्वर डाउन हो गया, दैट्स अ ग्लिच के चलते, हाँ ग्लिच मान सकते हो कि इसके कारण जो है तुम्हें इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारी जो डेटा व्यूज़ एंड जो भी है सब्सक्राइबर वगैरह वो गलत शो करेगा। आप पढ़ भी सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि वो आपको एक्यूरेट शो नहीं करेगा, ठीक है, जैसे कि व्यूज़ काउंट एंड जो भी है, तो वो अभी जो है फिक्स आउट कर दिया जाएगा। आप देखो ये डिपेंड करता है, मैंने काफ़ी टाइम देखा है, एंड मैं पिछले 3 सालों से यूट्यूब पे वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को आई थिंक ये 2 या फिर 3 times मैंने खुद इस प्रॉब्लम को देखा है कि यहाँ पे ये चीज़ आती है एक्सपीरियंसिस करके, ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा, रेवेन्यू नहीं कटेगा, सब्सक्राइबर नहीं कटेंगे, व्यूज़ वगैरह सारे ही आ जाएंगे। अभी जो नो डेटा आ रही है ये भी सॉल्व आउट हो जाएगी, नो डेटा रीसेंट वीडियोज़ पे आ रही है, एंड जो एक्सपीरियंसिंग वाली प्रॉब्लम है वो पुरानी वीडियोज़ पे आ रही है, आपका कोई डेटा शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, अगर आप ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे। बिंदास रहो, वीडियो नॉर्मल डालते जाओ, कुछ भी अर्निंग वर्निंग नहीं कटेगा आपका, पुराना जितना पैसा था, अर्निंग था, सब्सक्राइबर था, सब मिल जाएगा, जस्ट वो नॉर्मली आपका जो यहाँ पे ग्लिच आया हुआ है यूट्यूब पे आपका नहीं, तो वो ठीक हो जाएगा आई थिंक 2 या फिर 3 hours के अंदर अंदर, तो तब तक आप बिंदास वीडियो बनाओ अपने, डालते रहो, नो इश्यू इसमें, कुछ भी आपका कटेगा वटेगा नहीं। चलो गाइस यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।